ये वो शख्स है जो गोवा में आइसक्रीम बेचते बेचते मदीने शरीफ की हाजिरी देने चले गए। माशाल्लाह अल्लाह इनको कबूल करे। और कंपाना बीच में यहाँ तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस चलने लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। कंपाना बीच में समीर भाई दिए चैलेंज, वो जो इस्लामिक डिस्प्यूट है। फिलहाल वार्निंग वाइज हम लोग शिकंजी पीने लगे, जैसे कि पहले ब्लॉग में बताया था कि ताहा की ख्वाहिश थी शिकंजी पीने की, तो हम लोग शिकंजी पी चुके। मैं शिकंजी नहीं पिया क्योंकि मुझे सर्दी थी। वहां से चैलेंज होने के बाद हम लोग निकल चले एक सरप्राइजिंग बीच के पास, जहां पे बहुत सारे लोग विजिट नहीं किए होंगे, जिसका नाम है कंपाना बीच। अभी आपके सामने आने वाले, आप बने रहिए, देखते रहिए। हम बीच के अंदर तक नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बारिश में भीगे हुए थे, इसलिए हमको चलने में दिक्कत हो रही थी। और सारे कपड़े अगर ये मिट्टी लगेगी ना तो एकदम बेचैनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम लोग अंदर तक नहीं गए। लेकिन आप ये मंजर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। उसके बाद बीच के सामने हम लोग गरम गरम भुट्टा लिया, और उसके बाद देखा तो समीर भाई और ताहा खेलने लगे हैंड लिविंग चैलेंज, जिसमें समीर भाई जीत गए। उसके बाद समीर भाई मुझसे चैलेंज किया, मरवान अगर दम है तो आप छुड़ा पाओ। तो उसके बाद देख सकते हैं आपका भाई किस तरीके से छुड़ा लिया। गेम छुड़ाने का है, छुड़ा लिया। मरवान बहुत बड़ा बेईमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेईमान है, मतलब माशाल्लाह। अब यहाँ पे आंटी भी मुस्कुरा रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराते रखे। अल्लाह भाई खिलाओगे? मरवान भाई जो है भुट्टा खा चुके हैं, मरवान भाई इसको फेंकने जा रहे हैं। समीर भाई मुझे चैलेंज दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टा तो साफ से खा गया हूँ। ये पूरा ये है, आप लोग फिर गलत ना समझेंगे, फिर ये रिजक फेंक रहे हैं, ये सब खाली हो चुका है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दाग लगा हुआ है। चैलेंज है कि यहाँ से वो जो सामने डस्टबिन है वहाँ पे डालना है मुझे, डस्टबिन के अंदर जाके गिरे ताहा और मैं ये चैलेंज ले रहे हैं, तो देखेंगे किसे गिरे। एक सेकंड भाई, लोग को निकल जाने दो। मरवान भाई आपका टाइम शुरू होता है, 3 2 1 स्टार्ट। तो गाइस देखो मेरा गिर गया। मैंने कहा ना आपका भाई जो बोलेगा इंशाल्लाह वो करेगा। अब ताहा की बारी है, आप लोग डिसाइड करेंगे कौन है। कूड़ा नहीं फैलाता, कूड़ा फैला रहे ये लोग, फेंक नहीं पाओगे कूड़े में। ये कूड़ा मैं नहीं फैलाता हूं, ये कूड़ा क्या है, चैलेंज है, एक छोटी सी चीज फैलाता। देखेंगे बस ऐसे कैमरे के सामने बता रहा है, जरूर फेंकेगा, देख लीजिए आप। दो जल्दी ट्राई, देखते हैं ताहा गिरेगा या नहीं। जल्दी दान हो यार। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई इस कॉम्पिटिशन में जीत गया। भाई मुझे कितने क्या दोगे, विनर हूं मैं। अभी आइसक्रीम खिला के तो घुमा चल के। गोवा के कैपिटल सिटी पंजिम में हुआ सबसे बड़ा बवाल। मेन रोड के बीच में एक औरत और अननोन पर्सन्स लड़े बीच में, कार पीछे से आके मार दिया, और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि हम लोगों को जाना था, हम लोग वहां से चले गए। और हम लोग रास्ते में जा रहे थे अपने रिजॉर्ट की तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ताहा इतना थक चुका कि वो उस गले के ऊपर सोने लगा। तो गुजरते गुजरते शाम हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट की तरफ। और आगे के प्लान्स देखने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए। और अभी तक आप देख रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गोवा में क्योंकि कल हमारी वापसी है मेरी, समीर भाई की और ताहा की, क्योंकि हम लोग कल वापस हो रहे हैं। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। कहाँ पे ये है ना यार, यहाँ पे रखे होंगे मेरे ख्याल से। समीर भाई देखो यहाँ पे हम लोग गाड़ी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे एक दोस्त है दीपक भाई बोल के, वो हमको गाड़ी दे के चले गए ताकि आप लोग रात में घूमिए, क्योंकि आज आप आखिरी गोवा में नाइट गुजार रहे। तो आखिरकार गाड़ी की चाबी मिल गई, लेकिन स्टार्ट करने नहीं हो रहा था समीर भाई को। तो गाइस ये बॉटल चढ़ दो ना ताहा, बॉटल ये थंबनेल के लिए भी अच्छा आ जाएगा। तो ये हमारे ताहा भाई की दोस्त की, तो ये हमारे ताहा भाई की दोस्त डेविड की गाड़ी है जो हमको दे कर गए कि ताकि हम लोग रात में एंजॉय करें, मतलब एंजॉय मतलब घूमें, देखें बीचेस, देखें जो भी। अभी हम जा रहे हैं वहीं पे, तो आप देखते रहिए, बने रहिए। मुझे खाने का मन है समीर भाई, कोई होटल लेकर चलो यार। बच्चे यहीं पर सलाम ना मार का मतलब। अरे ये क्या हुआ यार। तो गाइस हम मेन एरिया में आ चुके हैं, जो गोवा का मेन एरिया है, जहाँ पे सारे मैकडोनल्ड्स वगैरह सब मौजूद हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टैटूस की दुकान है। समीर भाई कल इधर ही आए थे ना यार, कृष्णा पे यार। तो कहाँ पे कहेंगे बोलो,
हाँ जी भाई आ जाना है आज से ठीक है। तो हम लोग आज सोचे हैं यहाँ पे खाएंगे विनायक फैमिली रेस्टोरेंट में वेज। यहाँ हमको भाई मिले थे लेकिन इनकी कारगुजारी बहुत ही अलग है। तो प्योर वेज। अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा बढ़िया रहेगा ना एकदम मस्त। अरे मरवान भाई वो भी पूछ लो भाई इसका इसका करवाना है। सभी टाइम 2:10 हो रहा ना 2:10 हो रहा तो हम एड्रेस पूछ रहे थे लेकिन देखा कि भाई हमारे जाने पहचाने आ गए माशाल्लाह से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम माशाल्लाह। गोवा में भाई से मिलते हुए बहुत खुशी हुई। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं ये मैं बीच में जाना इसलिए पहना हुआ गलत ना मतलब प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम भाई। हां हां ये गोवा है नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई ठीक है आ जाओ भाई। ताहा भाई को और समीर भाई को भी पहचान लिया क्योंकि समीर भाई के ताल्लुक से तो सब जानते हैं स्टोरी किंग। इनको जानते हो? एक साथ में। हाँ हाँ। तो भाई बता रहे थे गोवा में वेज खाना हो तो यहाँ पे खा सकते हैं कलंगूट के आसपास और नॉन वेज खाना हो तो अफलातून बता रहे। और भाई की भी एक होटल यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है? रियल टू ट्रैवल। भाई का मौजूद है यहाँ पे तो देखते ही हम लोगों को भाई आगे मुलाकात करने के लिए। माशाल्लाह क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। माशाल्लाह कहाँ से आप? माशाल्लाह हम भी यूपी। हमारी पढ़ाई सब यूपी से हुई है। दुआ करें हमारे लिए खास चलेंगे। ठीक है मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई चलते हैं। भाई चलते हैं। तुमने ले लिया? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहुँच गए विनायक रेस्टोरेंट पे और हम लोग ने ऑर्डर किया पनीर और बहुत सारे राइस आइटम भी ऑर्डर किया जीरा राइस। मेरे पास लफ्ज नहीं है मैं किस लफ्ज से बताऊं भाई मतलब दुनिया में ऐसी है। उनकी मोहब्बत में एक आइसक्रीम दे रहे भाई। मैं नहीं खाऊं मैं नहीं खा रहा हूं। नहीं 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 हमारी तरफ से नो प्रॉब्लम भाई। दिल से भाई वो मत खोलना वो मत करना बेस्ट हो जाएगा। सुनो सुनो अरे अरे सुनो सुनो अरे ब्रो नो प्रॉब्लम। अरे नहीं सर्दी नो प्रॉब्लम। आलमंड है चॉकलेट है नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग यहाँ से खा के आ रहे थे तो सोचा कि हम लोग एक बार भाई से मुलाकात कर लें। हाँ भाई आपका ये ट्रिप कैसा रहा? हम बना जैसा कोई बात नहीं अपनी तरफ से फुल है। तो आइसक्रीम खा रहे थे और बताया भाई कैसा है सब क्या? बिजनेस बहुत अच्छा है अल्लाह का करम है। अल्लाह के करम से हमने इतना पैसा जोड़ लिया है कि हमारी मदीने शरीफ की ज़ियारत। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे अल्लाह कबूल करे यार अल्लाह आपके उम्रे को कबूल करे। और इंशाल्लाह हम बकरीद बाद जाने की तैयारी में हैं। अभी हम 1 तारीख को घर जाएंगे उसके बाद अपना पासपोर्ट तो मेरा बन चुका है इंशाल्लाह बस टिकट करेंगे मदीने शरीफ सरकार की रोजी पर। माशाल्लाह तो गाइस लोगों के पास पैसा रहता है लोगों के पास हर चीज़ रहता है लेकिन याद रखना जब तक नसीब में ना लिखा हो तब तक हम मदीने शरीफ की हाजिरी नहीं दे पाएंगे मक्का शरीफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन फुल रहेगा करबला अब तक रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप देख सकते हैं भाई देख सकते हैं हम रातों रात मेहनत करते हैं आइसक्रीम सेल करते हैं लेकिन उनकी तड़प देखिए बकरीद के बाद मदीना शरीफ जा रहे हैं। माशाल्लाह भाई मेरे लिए खास दुआ करना इंशाल्लाह भाई खास इंशाल्लाह। और ये वीडियो कैसी पसंद आई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका मरवान अयमन ब्लॉग्स और FB पेज में मरवान अयमन को फॉलो करिएगा। जजाकअल्लाह अस्सलाम वालेकुम।